जय हिंद एवरीवन। मैं हिंदी क्वेश्चंस के साथ बृजंत सिंह। जैसा कि कल मैंने अनाउंस किया था, हिंदी क्वेश्चन सेशन में आज के जो टॉपिक्स होंगे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सभी लोग जल्दी से आएं, जुड़ते जाइए, सेशन का टाइम हो चुका है। जी नितेश सुनी जी आ चुके हैं, जय हिंद। जय हिंद। जी वशिष्ठ नारायण सिंह जी, जय हिंद। जी रविता साहू जी, जय हिंद। हिंदी क्वेश्चन सेशन 11 to 12 PM और आज के टॉपिक हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। जी विभा जी गुड मॉर्निंग। जी मीना सोनी जी गुड मॉर्निंग। जी सोनल मंसूरी जी गुड मॉर्निंग। देखिए जो आज के टॉपिक हैं, ये चार टॉपिक होंगे और इन चार टॉपिक्स पर क्वेश्चंस रहेंगे आपके, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। इसके बाद जो कल का टॉपिक होगा वो आपका टॉपिक रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स। कल के टॉपिक में उपसर्ग और प्रत्यय पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कल का टॉपिक रहेगा। और आज के आपके चार टॉपिक हैं, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और क्रिया विशेषण। जी यशवंत सागर जी, जय हिंद। गुड मॉर्निंग प्राची जी। देखिए थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ आपको, सर्वनाम संज्ञा और यहाँ पर जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसके बाद विशेषण की बात करें, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिया की। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 रूप हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। और इसके बाद रचना के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया नाम सुना होगा, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद अगला टॉपिक होगा आपका क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक नाम सुना होगा, कालवाचक है, स्थानवाचक है, इसके अलावा आपका रीतिवाचक है और परिमाणवाचक है। तो यहाँ पर ये 4 टॉपिक पर क्वेश्चंस होंगे। जी रूपेश जी जय हिंद, शशि जी जय हिंद, अंजलि चतुर्वेदी जी जय हिंद, खुशबू रामे जी जय हिंद। तो चलिए सभी लोग ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं और क्वेश्चन सेशन का टाइम हो गया है। तो चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आपके सामने आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सीमा दौड़ती है, एक ये वाक्य है। यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस रहेंगे और इसके बाद मैं आपको ऑप्शंस दूंगा और ऑप्शंस पर बेस्ड ही आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन से आपके सामने, सीमा दौड़ती है, सीमा दौड़ती है। यहाँ दौड़ती शब्द में क्रिया है, दौड़ती शब्द में क्रिया है। ऑप्शंस हैं द्विकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, इनमें से कोई नहीं। द्विकर्मक, सकर्मक, अकर्मक या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, द्विकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सीमा दौड़ती है, आंसर फास्ट प्लीज। जो भी लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं आंसर सभी को देना है, आंसर्स दें सभी लोग। आंसर्स नहीं आ रहा है अभी तक किसी का भी। सेंटेंस है आपका सीमा दौड़ती है, वाक्य है सीमा दौड़ती है। इस वाक्य में या यहाँ पर ये जो दौड़ती शब्द है, क्रिया है, सकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक, अकर्मक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। खुशबू जी का आंसर आ रहा है अकर्मक, वशिष्ठ नारायण सिंह जी अकर्मक, सोनल मंसूरी जी, नितेश सोनी जी अकर्मक आंसर दे रहे हैं, देव कुमार लोधी जी सकर्मक, प्राची रघुवंशी जी आंसर दे रही हैं अकर्मक, रविता जी अकर्मक, आकांक्षा गुप्ता जी अकर्मक, यशवंत सागर जी अकर्मक,
वैशाली शुंडिया जी अकर्मक, खुशबू जी आंसर दे रही हैं द्विकर्मक, सोनम जी सकर्मक आंसर दे रही हैं, मीना जी अकर्मक, पुनेश शुक्ला जी अकर्मक, जय हिंद, अर्जुन सर जी जुड़ चुके हैं, जय हिंद अर्जुन सर जी। चलिए मैं आंसर रिलीज करता हूँ। यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, दौड़ती अकर्मक क्रिया है। देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं, एक अकर्मक और एक आपका सकर्मक। जिस क्रिया का कर्म होता है वो सकर्मक है और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता वो आपका अकर्मक है। और यहाँ पर देखिए पहचान यदि हमें करनी है तो वाक्य में क्या से प्रश्न करिए, जैसे राम ने खाया और मैंने क्वेश्चन किया राम ने क्या खाया, यदि आंसर मिलता है दैट मीन्स सकर्मक और आंसर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक। मैंने बोला राम ने खाया, यहाँ पर खाया शब्द अकर्मक है, लेकिन यदि मैं बोलूँ राम ने फल खाया तो राम ने क्या खाया, फल खाया, आंसर मिला मतलब सकर्मक है। द्विकर्मक जहाँ पर क्रिया के दो कर्म होते हैं, जहाँ क्रिया के दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर दौड़ती, सीमा दौड़ती है, वाक्य में दौड़ती शब्द अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जी अंजलि जी, श्रिया पटेल जी, खुशबू जी अकर्मक इस करेक्ट आंसर, तो जिन्होंने अकर्मक आंसर दिया है अकर्मक बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शंस हैं संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण क्रिया। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया। वशिष्ठ नारायण जी आंसर दे रहे हैं क्रिया, यशवंत सागर जी क्रिया आंसर दे रहे हैं, खुशबू जी क्रिया आंसर दे रही हैं। रविता साहू जी क्रिया आंसर, मीना सोनी जी क्रिया आंसर दे रही हैं, सोनल मंसूरी जी क्रिया आंसर दे रही हैं, आकांक्षा गुप्ता जी क्रिया आंसर दे रही हैं, अर्जुन सर आंसर दे रहे हैं क्रिया, देव कुमार जी क्रिया, शशि जी क्रिया, कुमार उपाध्याय जी क्रिया। तो यहाँ पर देखिए मैं आंसर रिलीज करता हूँ, क्रिया इज करेक्ट आंसर। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। तो यहाँ पर बोला गया किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। पुनेश जी, प्राची जी, वैशाली जी, देवेंद्र जी क्रिया, सभी का आंसर सही आंसर। अर्जुन सर जी बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी के जी। श्रिया पटेल जी डी आंसर इस करेक्ट है, क्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई, ऑप्शंस हैं कोई, कौन, कुछ, कभी। कोई, कौन, कुछ, कभी। निम्न शब्दों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम है कोई, कौन, कुछ, कभी। वशिष्ठ जी, यशवंत जी, खुशबू जी आंसर दे रहे हैं कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाकी लोगों के आंसर्स नहीं आ रहे हैं, आंसर फास्ट प्लीज, सभी लोगों को आंसर्स देने हैं। सर्वनाम, विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण, ये चार टॉपिक पर क्वेश्चंस डिस्कशन सेशन ये चल रहा है। सोनल जी आंसर दे रहे हैं कौन, मीना सोनी जी कौन, देव कुमार लोधी जी कौन आंसर दे रहे हैं, रविता साहू जी आंसर दे रही हैं कौन, आकांक्षा जी कौन, वैशाली जी आंसर दे रही हैं कौन, प्राची जी का आंसर आ रहा कौन,
शोनम जी का आंसर आ रहा है कौन, अर्जुन सर जी आंसर दे रहे हैं कौन। चलिए तो यहाँ पर मैं आंसर रिलीज करता हूँ, कौन इज करेक्ट आंसर। देखिए सर्वनाम के आपके जो भेद होते हैं, छह भेद होते हैं, उनमें से एक भेद होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर शब्द प्रश्न का बोध कराता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ कोई या यहाँ कौन आया था, कौन आया था। अब देखो कोई आया था, कोई आया था, उसकी जगह पर एक वर्ड यूज हो रहा है कौन, और लेकिन इससे कौन आया था क्वेश्चंस का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो कौन आंसर करेक्ट आंसर है, शशि जी, देवेंद्र जी, अर्जुन सर जी, सोनम जी, अंजलि जी, श्रिया जी, रूपा जी, जय हिंद। कौन इस करेक्ट आंसर, कौन बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है यहाँ पर कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने। नीचे दिए गए वाक्यों में से, प्राची जी बोल रहे हैं सर नेटवर्क इश्यू की वजह से लेट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, मैं वेट कर लेता हूँ, आंसर्स देना है सभी को। जी रूपा जी जय हिंद। चलिए अगला क्वेश्चंस, नीचे दिए गए किस वाक्य में, नीचे दिए गए किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग है। संयुक्त क्रिया, देखिए रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, अकर्मक सकर्मक, और प्रयोग के आधार पर क्रिया के मुख्यतः तीन भेद, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ, नीचे दिए गए वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, मतलब आपको वो वाक्य सेंटेंस फाइंड आउट करना है जहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऑप्शंस हैं, बच्चा रोने लगा, बच्चा रोने लगा, वह घर पहुंच गया। पहला ऑप्शन है बच्चा रोने लगा, दूसरा ऑप्शन है वह घर पहुंच गया, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बच्चा रोने लगा, पहला ऑप्शन वह घर पहुंच गया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। संयुक्त क्रिया पूछा गया है यहाँ पर, संयुक्त क्रिया आपको बताना है इन दोनों वाक्यों में, या तो दोनों हैं या दोनों में से कोई भी नहीं है या कोई एक है। आंसर्स फास्ट प्लीज, जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं आंसर्स देना है सभी को। जसवंत सागर जी आंसर दे रहे हैं बोथ दोनों। खुशबू जी आंसर दे रही हैं कोई नहीं। वशिष्ठ रंजन सिंह आंसर दे रहे हैं कोई नहीं। रविता साहू जी कोई नहीं। सुनल मंसूरी जी आंसर दे रही हैं कोई नहीं। देवेंद्र जी आंसर दे रहे हैं कोई नहीं। रूपा जी आंसर दे रही हैं कोई नहीं। प्राची जी कोई नहीं। देवेंद्र जी आंसर कोई नहीं। कुमार उपाध्याय जी आंसर बच्चा रोने लगा। देव कुमार लोधी डी, खुशबू जी डी, पीयूष जी आंसर दे रहे हैं बोथ, वैशाली जी डी, आकांक्षा गुप्ता जी डी, शुभम कश्यप जी जय हिंद, मीना सोनी जी आंसर दे रही हैं कोई नहीं। चलिए मैं आंसर रिलीज करता हूँ, यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बोथ दोनों। आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक धातु शब्दों से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है, जहां पर वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग की गई हों, एक साथ प्रयोग की गई हों, दो क्रियाएं। यहां पर आप वाक्य पर ध्यान दीजिए, बच्चा रोने लगा, रो ने लगा, रोने और लगा, लगा भी क्रिया है, रोने भी क्रिया है। वह घर पहुंच गया, पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, पहुंचना, पहुंच भी तो क्रिया है ना, और गया भी क्रिया है, दोनों में दो दो क्रिया एक साथ यूज हो रही हैं। तो यहाँ पर सी आंसर इस करेक्ट आंसर है, जिन्होंने सी आंसर दिया है। संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है, दो या दो से अधिक धातु, और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जहां पर दो क्रिया एक साथ उपयोग होती हैं संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। यहां पर रोने लगा, रोने भी क्रिया है, लगा भी क्रिया है,
पहुंच गया, पहुंच भी क्रिया है, गया भी क्रिया है। बेटा रो रहा नहीं बोला है, वाक्य मैंने क्या बोला हुआ है? खुशबू जी आप बोल रही हैं, आपने तो सेंटेंस ही चेंज कर दिया। बच्चा रोने लगा, यहां पर क्रिया का मतलब होता है कार्य होने से, लेकिन संयुक्त क्रिया जहां वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं उपयोग हों, एक साथ दो क्रिया यूज हो, यहां पर रोने भी क्रिया है और लगा भी क्रिया है। बच्चा रो रहा नहीं बोला मैंने, बच्चा रोने लगा। घर, वह घर पहुंच गया, पहुंच और गया दो क्रियाएं। संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जहां वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ हुआ हो, साथ साथ हुआ हो, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में जहां पर कर्ता स्वयं कोई काम ना करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे या दूसरों से काम करवाए, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और तीसरा जो प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया के आने वाले, मुख्य क्रिया से पहले आने वाले क्रियापद को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये प्रयोग के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं, कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। तो यहाँ पर रोने लगा, रोने, रो, और यहाँ पर ला, ये दो धातु रूप हैं। वहां पर पहुंच, पहुंच गया, पहुंच और गा, पहुंच गया, वहां पर भी दो क्रियापद हैं। तो दो या दो से अधिक जब क्रियापद एक साथ उपयोग होते हैं तो ऐसी क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर दोनों वाक्यों में दो दो क्रियापद हैं, इसलिए सी आंसर इज करेक्ट आंसर, सी आंसर होगा, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट्स हो तो बता दीजिए, किसी को भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। जी बच्चा रोने लगा, अर्जुन सर जी, रोने लगा, रो और ला, ये दो धातु रूप हैं क्रिया के। यहाँ पर जहां वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ उपयोग होती हैं, वहां संयुक्त क्रिया होती है। दूसरे वाक्य में पहुंच गया, पहुंच भी क्रिया है और गया भी क्रिया है, संयुक्त क्रिया के उदाहरण है दोनों वाक्य। दोनों वाक्यों में संयुक्त क्रिया का उपयोग हुआ है, अर्जुन सर जी संयुक्त क्रिया के उदाहरण है दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक विद्यार्थी को, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। देखिए विद्यार्थी को हिंदी, यहां पर को शब्द बीच में है, दैट मीन्स कुछ रिलेशन होगा। हाँ बिल्कुल जुड़े होते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट भी हो सकते हैं दोनों क्रियापद, दोनों क्रियापद रूपा जी साथ में भी हो सकते हैं। यह आपका संयुक्त वाक्य है, जो आपने बोला मैं घर गया और खाना खाया, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य मैं घर गया खाना खाया, ये संयुक्त वाक्य है, और या किंतु परंतु इन शब्दों से जुड़े होते हैं। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ पर वाक्य में हमें क्रिया का रूप बताना है, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। वाक्य में क्रिया के किस रूप का उपयोग हुआ है? ऑप्शंस हैं अकर्मक, पूर्वकालिक, अकर्मक, पूर्वकालिक, एक कर्मक, द्विकर्मक। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं वाक्य में क्रिया के किस रूप का उपयोग हुआ है? ऑप्शंस हैं अकर्मक, पूर्वकालिक, एक कर्मक, द्विकर्मक। अकर्मक, पूर्वकालिक, एक कर्मक, द्विकर्मक। प्राची जी का आंसर आ रहा है द्विकर्मक। जी देव साहू जी जय हिंद। प्राची जी का आंसर आ रहा है द्विकर्मक। प्राची जी ने आंसर दिया है द्विकर्मक। बाकी लोग भी आंसर्स दें जल्द से जल्द, इसलिए देखिए टॉपिक मैंने अनाउंस कर दिए थे कि आप लोग पढ़ लें एक बार। जैसे कल के टॉपिक होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग और प्रत्यय आज आपको पढ़ना है, कल उस टॉपिक पर क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि देखो आपके आंसर्स आते हैं और तभी मुझे भी इंटरेस्ट आता है क्वेश्चंस के लिए, और यदि आप आंसर्स नहीं देंगे
दैट मीन्स क्या मतलब निकलेगा सेशन को अटेंड करने का। यशवंत सागर जी, रूपा जी, शशि जी आंसर दे रही हैं, द्विकर्मक, प्राची जी भी, वशिष्ठ नारायण सिंह जी, सुनल मंसूरी जी डी ऑप्शन, वैशाली जी, खुशबू जी, नितेश सोनी जी डी ऑप्शन, मीना सोनी जी द्विकर्मक आंसर दे रही हैं, रूपा जी द्विकर्मक आंसर दे रही हैं, खुशबू जी द्विकर्मक आंसर दे रही हैं, देव साहू जी द्विकर्मक, रविता साहू जी द्विकर्मक, देवेंद्र जी द्विकर्मक, पुनेश जी बी ऑप्शन दे रहे हैं, अर्जुन सर जी द्विकर्मक बोल रहे हैं, सोनम जी द्विकर्मक। तो चलिए मैं आंसर यहाँ पर रिलीज करता हूँ। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं, अकर्मक सकर्मक। यदि कर्म है तो सकर्मक है और यदि कर्म नहीं है तो अकर्मक है क्रिया। और सकर्मक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। यदि वाक्य में एक क्रिया के दो कर्म हैं दो कर्म यहां पर दोनों कर्म जो होंगे वो एक दूसरे से कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है को जुड़े होते हैं। यहां पर बच्चों को हिंदी क्या पढ़ाते हैं, हिंदी किसको पढ़ाते हैं, बच्चों को। तो यहां पर बच्चों को हिंदी इस क्रिया यहां पर इस वाक्य में कर्म के दो रूप हैं यानी दो कर्म का उपयोग हुआ है, एक बच्चों और दूसरा हिंदी। तो यहां पर द्विकर्मक क्रिया है। क्या पढ़ाते हैं, हिंदी। किसको पढ़ाते हैं, किसको को किसको पढ़ाते हैं, बच्चों को। तो यहां पर दोनों शब्द जहां पर भी वाक्य में दो कर्म होंगे वो एक दूसरे के साथ को से जुड़े होंगे। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब देखिए माँ पिलाती है क्या, दूध, किसको, बच्चे को। तो बच्चे को दूध, यहां पर भी दो कर्म हैं, एक बच्चा है और दूसरा क्या है, दूध। तो यहां पर द्विकर्मक क्रिया है, जहां पर क्रिया के दो कर्म हो वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है दैट मीन्स द्विकर्मक इज करेक्ट आंसर। सीधी सीधी पहचान है, देखो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, दोनों कर्म होंगे बीच में को शब्द का प्रयोग होगा, दो कर्म होंगे बीच में को शब्द आएगा, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है, दो कर्म को से जुड़े होंगे। जी वशिष्ठ नारायण सिंह जी बिल्कुल सही, क्या किसे किसको से प्रश्न करते हैं सर जी, बिल्कुल जी। और जहां पर आंसर मिल जाए, हमने बोला क्या पढ़ाते हैं, बोले हिंदी, क्या क्वेश्चन किया हमने, क्या पढ़ाते हैं शिक्षक बच्चों को, हिंदी, किसको पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सीधी सीधी पहचान है, आप वाक्य में क्या से क्वेश्चन करिए, एक कर्म मिलेगा दैट मीन्स सकर्मक क्रिया है यानी एक कर्मक है। आपने किसको किससे क्वेश्चन किया, देखो मैं और भी बोलूं, मैं राम को पुस्तक देता हूं, मैं राम को पुस्तक देता हूं। अब देखो क्या देता हूं, पुस्तक, किसे देता हूं, राम को। अब देखिए राम को पुस्तक दोनों जुड़े हुए हैं, पिताजी ने मुझको रुपए दिए, क्या दिए, रुपए, किसको दिए, मुझको दिए। तो जहां पर भी दो कर्म होंगे वहां पर को बीच में आएगा और ये कर्म कारक का चिन्ह भी होता है। और क्या किसे किसको से क्वेश्चन करिए, आपको आंसर मिला, क्या से क्वेश्चन किया आंसर मिला दैट मीन्स एक कर्म मिल गया आपको। किसे किसको से प्रश्न कीजिए, यदि और आंसर मिल रहा है वाक्य से दैट मीन्स दो कर्म होंगे। तो यहां पर क्लियर सभी को थम्स अप कर दीजिए, यदि क्लियर है सभी को तो थम्स अप करिए, सभी को क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वह धीरे धीरे आ रहा है, वह धीरे धीरे आ रहा है, कैसे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। वह धीरे धीरे आ रहा है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, वह धीरे धीरे आ रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ऑप्शंस हैं कालवाचक क्रिया विशेषण,
रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जी अर्जुन सर, जी अर्जुन सर, थैंक्स। अगला क्वेश्चन, वह धीरे धीरे आ रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। ऑप्शंस हैं कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। आंसर्स देना है सभी को। वशिष्ठ नारायण सिंह जी आंसर दे रहे हैं रीतिवाचक। बी शशि जी आंसर दे रही हैं रीतिवाचक। प्राची जी आंसर दे रही हैं परिमाणवाचक। देखिए क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य चार भेद होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। खुशबू जी आंसर दे रही हैं रीतिवाचक। पुनीश जी आंसर दे रहे हैं परिमाणवाचक। रविता साहू जी रीतिवाचक। यशवंत सागर जी परिमाणवाचक। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर हम जो बोले रूपा जी, शुभम कश्यप जी, मीना सोनी जी, तीनों आंसर दे रहे हैं रीतिवाचक। रीति का मतलब क्या होता है? क्रिया के करने का ढंग। जैसे मैं बोलूं शेर जोर से दहाड़ा, कैसे दहाड़ा, कैसे क्रिया हुई, जोर से दहाड़ा, जोर से। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुए के चलने की रीति कैसी है, कैसे क्रिया करता है वो, धीरे धीरे, ये तरीका है उसके चलने का कछुआ। खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश के चलने का तरीका कैसा है, तेज दौड़ता है। तरीका, तरीका मतलब रीति, वे, मैनर, बताना। वह धीरे धीरे आ रहा है, कैसे आ रहा है, आने का तरीका क्या है, धीरे धीरे, मतलब मैनर बता रहे हैं हम, रीति बता रहे हैं, क्रिया के होने की रीति। तो यहां पर धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। जी देव साहू जी आप परिमाणवाचक बोल रहे हैं लेकिन रीतिवाचक है। अर्जुन सर जी बिल्कुल सही आंसर। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, कालवाचक क्रिया विशेषण के जो उदाहरण होंगे, जैसे आज, कल, वह आ जाएगा, वह कल जाएगा, कब जाएगा, कल, टाइम मिले, जहां पर टाइम का बोध हो, वह अब आ रहा है, ठीक है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन, टाइम मिले जहां पर, वो कालवाचक है, जहां पर टाइम मिला वो कालवाचक। रीतिवाचक में क्रिया कैसे होती है ये बताना, मैनर बताना है, कैसे, वैसे, शायद, ये सारे शब्द आपके आएंगे। जैसे मैं बोलूं वह कैसे लिखता है, लिखता है कैसे, लिखता है, तो हमने क्या बताया, रीति को व्यक्त किया, बोले वह कैसे लिखता है, आंसर मिला वह धीरे धीरे लिखता है, तो क्या बताया हमने। और हाउ का मतलब जानते हैं इंग्लिश में, हाउ, और हिंदी में उसका शब्द होता है कैसे, और हाउ से हमें क्या मालूम चलता है, बोले तुमने काम किया, तुमने काम कैसे किया, कैसे किया मतलब हमने क्या पूछा उससे, तरीका पूछा काम करने का, तरीका मतलब रीति, मैनर। इसके बाद तीसरा जो भेद होता है स्थानवाचक, स्थानवाचक में यहां, यहां, वहां, जहां, इधर उधर, अंदर बाहर, जैसे मैं बोलूं बाहर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, और इस शब्द में, यहां पर इस वाक्य में बाहर शब्द है, इस शब्द में बाहर शब्द है इस वाक्य में, जो मैंने वाक्य बोला बाहर बैठ जाओ, बैठ जाओ, लेकिन कहां, बाहर, स्थान बताया हमने, तो बाहर शब्द क्या होगा, स्थानवाचक। यहां आओ, हमने बुलाया, यहां आओ, यहां आओ, आओ कहां आओ, यहां, यहां मतलब प्लेस, स्थानवाचक। अब बचा परिमाण, तो परिमाण में जहां पर क्रिया की मात्रा का बोध हो, मात्रा बताएं हम, जैसे उसने थोड़ा खाया, खाया परिमाण बताया, कितना खाया, थोड़ा सा खाया। वह दौड़ा, लेकिन वह बहुत दौड़ा, फिर और बोल दें हम, वह बहुत तेज दौड़ा। अब देखो दो क्रिया विशेषण आ गए यहां पर, एक तेज भी है और एक बहुत भी है,
वह तेज दौड़ा, तेज से हमने रीति बता दी, लेकिन उसके पहले जो लगा बहुत, क्या बता दिया हमने, परिमाण बता दिया। नहीं प्राची जी, धीरे धीरे परिमाण वाचक नहीं होता, यहां पर हम मात्रा थोड़ी बता रहे हैं। आप क्वेश्चंस को समझिए, धीरे धीरे आ रहा है, परिमाण नहीं बता रहे हैं। परिमाण में अधिकता और न्यूनता बताए हम, बहुत तेज, कम, ज्यादा, उसने बहुत ज्यादा खाया। मात्रा बताएं यहां पर हम, धीरे धीरे आ रहा है, यहां पर कौन सी मात्रा मिलेगी आपको, कौन सा परिमाण मिल रहा है आपको, बताइए मुझे। तो यहां पर धीरे धीरे आ रहा है मतलब रीतिवाचक। खरगोश तेजी से दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे वह कठिनाई से काम करता है, कठिनाई से काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे, हाउ, हाउ, हाउ मतलब जानते हैं ना, कैसे, और हाउ का मतलब होता है कैसे, मतलब हमने तरीका पूछा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन, आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने, मुझे, अगला क्वेश्चन है मुझे, ये शब्द है मुझे, किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शंस हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। मुझे किस प्रकार शब्द का, किस प्रकार का सर्वनाम शब्द है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम शब्द है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, और डी ऑप्शन है निश्चयवाचक। आंसर फर्स्ट प्लीज, आंसर सभी को देना है। कुमार उपाध्याय जी का आंसर आ चुका है उत्तम, वशिष्ठ जी का आंसर उत्तम पुरुषवाचक, प्राची जी का आंसर आ रहा है उत्तम पुरुषवाचक, खुशबू जी आंसर दे रही हैं उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक आंसर आ रहा है सभी का लगभग अभी। यशवंत सागर जी उत्तम पुरुषवाचक, रूपा जी आंसर दे रही हैं उत्तम पुरुषवाचक, साहिन जी, देवेंद्र जी, वैशाली जी, जी बिल्कुल, तो सभी के आंसर सही हैं यहाँ पर, उत्तम पुरुषवाचक करेक्ट आंसर है। देखिए उत्तम पुरुषवाचक मतलब मैं और हम, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से समस्त प्रकार के पुरुषों का बोध होता है उन्हें हम पुरुषवाचक या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जी अर्जुन सर उत्तम पुरुषवाचक, मीना जी उत्तम पुरुषवाचक, पुनेश जी बोले मध्यम, बेटा मध्यम नहीं है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। जी अर्जुन सर उत्तम पुरुषवाचक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए उत्तम पुरुषवाचक में आता है मैं हम। अब देखिए मैं से जो शब्द बनते हैं, मैं मुझे मेरा तुम्हारा, मैं मुझे मेरा तुम्हारा मुझको, हमसे जो शब्द बनते हैं हम, हमने, हमको, हमारा, ये पूरे के पूरे उत्तम पुरुषवाचक हैं। फिर आते हैं अपन मध्यम पुरुषवाचक में, मध्यम पुरुषवाचक में एक शब्द होता है तुम और ऑब्लिक में आप, तो तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हें, ऐसे ही आपसे, आप, आपने, आपको, आपका, ये आपके मध्यम पुरुषवाचक में आते हैं। फिर आगे आते हैं हम अन्य पुरुषवाचक में, अन्य पुरुषवाचक में वह, वह, ही और सी दोनों के लिए, वह, उसे, उसको, उसका, उसने, वे, वो, ये सब आपके जो होते हैं किसमें आते हैं आपके अन्य पुरुषवाचक में। तो यहां पर मुझे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, मुझे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो जिन्होंने भी उत्तम पुरुषवाचक आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं याद रखिएगा, उत्तम पुरुषवाचक इसमें आपका आता है मैं हम, मध्यम पुरुषवाचक तुम आप, और अन्य पुरुषवाचक वह वे, वह वे वो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है,
निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस हैं क्या, कुछ, क्या, दूसरा ऑप्शन है कुछ, तीसरा है कौन और चौथा ऑप्शन है यह। क्या, कुछ, कौन, यह। आंसर्स फर्स्ट प्लीज, जो भी सेशंस को अटेंड कर रहे हैं आंसर सभी को देना है। क्या, कुछ, कौन, यह। शशि जी का आंसर आ रहा है यह है। यशवंत सागर जी यह है। खुशबू जी आंसर दे रही है यह है। प्राची जी का आंसर आ रहा है यह है। जितेंद्र पटेल जी आंसर दे रहे हैं यह है। वशिष्ठ नारायण सिंह जी आंसर दे रहे हैं यह है। कुमार उपाध्याय जी आंसर दे रहे हैं यह है। विवेक साहू जी आंसर दे रहे हैं यह है। देखिए यहां पर मैं आंसर रिलीज करता हूं, यह इज करेक्ट आंसर है, यह बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस और दैट, यह है वो, यह है वो। यहां पर ऐसे सर्वनाम शब्द जो संकेत द्वारा विशेषता बतलाते हैं, जैसे यह किसकी पुस्तक है, यह है, यह मेरा भाई है, वो लोग कौन हैं, यह है वो, दिस और दैट इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी अर्जुन सर जी, सोनम जी, साहिन जी, रोडमल जी, वैशाली जी, तो यहां पर यह है बिल्कुल सही आंसर है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहां पर निश्चयवाचक जो आपका सर्वनाम है यह है, और कुछ अनिश्चयवाचक है, कुछ आपका क्या है, अनिश्चयवाचक है। कौन प्रश्नवाचक है, क्या भी आपका प्रश्नवाचक है, तो यहां पर यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संबंध वाचक सर्वनाम है? निम्न में से संबंध वाचक सर्वनाम है। ऑप्शंस हैं संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, कोई, कौन, जो, वह। कोई, कौन, जो, वह। जी रूपा जी, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन हैं कोई, कौन, जो, वह। कुमार उपाध्याय जी जो, आकांक्षा जी जो, यशवंत सागर जी जो, प्राची जी आंसर दे रहे हैं जो, खुशबू जी जो, वशिष्ठ नारायण जी आंसर दे रहे हैं जो, रविता साहू जी आंसर दे रहे हैं जो, विवेक साहू जी आंसर दे रहे हैं जो, वैशाली सोंढिया जी आंसर दे रही हैं जो, सोनम विश्वकर्मा जी आंसर दे रहे हैं जो, देवेंद्र जी आंसर दे रहे हैं जो। चलिए देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बतलाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, या जैसा बोगे वैसा काटोगे, जो सो जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, जो सो जैसा वैसा, जैसी वैसी, जो बोएगा सो काटेगा, जो सोता है सो खोता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा खाओगे मन अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा देखो देश वैसा बदलो भेष। तो यहां पर एक सर्वनाम शब्द जो वाक्य में दूसरे सर्वनाम के शब्द संबंध बताता है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जी अर्जुन सर, साहिन जी, शशि जी, रूपा जी, जो पढ़ेगा वही पास होगा, जी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, बिल्कुल जी प्राची जी, जी अर्जुन सर जी, यहां पर संबंध में नहीं आता बेटा, रूपा जी संबंध में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का उपयोग विशेषण के रूप में हुआ है? क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का उपयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपके, तुमने अच्छा किया जो आ गए। पहला ऑप्शन, तुमने अच्छा किया जो आ गए। दूसरा ऑप्शन, यह स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान बहुत अच्छा है। तीसरा ऑप्शन, अच्छा तुम घर जाओ। और चौथा ऑप्शन, अच्छा है वह अभी आ जाए। देखिए, चारों वाक्यों में अच्छा शब्द है और अच्छा शब्द किस वाक्य में विशेषण के रूप में उपयोग हुआ है, विशेषण के रूप में उपयोग किया गया है, वो आंसर्स आपको देना है। यशवंत सागर जी आंसर दे रहे हैं बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। खुशबू जी आंसर दे रही हैं, यह स्थान बहुत अच्छा है। प्राची जी बी आंसर, यह स्थान बहुत अच्छा है। विवेक साहू जी, आकांक्षा जी, वैशाली जी, यह स्थान बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। वशिष्ठ जी आंसर दे रहे हैं, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। मीना जी, नितेश सोनी जी, रविता साहू जी आंसर्स दे रहे हैं। सोनल मंसूरी जी बी आंसर, यह स्थान बहुत अच्छा है। शुभम जी बी आंसर। रूपेश जी, पुनेश जी आंसर दे रहे हैं बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। रूपा जी आंसर दे रही हैं, हाँ बहुत प्राविशेषण है, कोई इशू नहीं है, बहुत प्राविशेषण है। विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम प्राविशेषण कहते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, मैं आंसर रिलीज करता हूँ, बी आंसर इज करेक्ट आंसर, बी यह स्थान है। फिर स्थान की विशेषता शब्द ने बताई, स्थान मतलब संज्ञा और स्थान की विशेषता मतलब अच्छा, यह स्थान अच्छा है। हाँ, उसमें एक अलग से वर्ड भी यूज हुआ है, बहुत, बहुत मतलब विशेषण की भी जो विशेषता बतलाए वो प्राविशेषण है। तो यहाँ पर यह स्थान बहुत अच्छा है। जी अर्जुन सर बी आंसर, यह स्थान बहुत अच्छा है। जी रोडमल जी, शशि जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जी सोनम जी, सही आंसर है। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा शब्द का उपयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा शब्द का उपयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यह स्थान बहुत अच्छा है। और बहुत शब्द अच्छा शब्द की विशेषता बतला रहा है, तो जो शब्द विशेषण शब्द की भी विशेषता बतलाए वो प्राविशेषण होता है। तो यहाँ पर बहुत प्राविशेषण है, बहुत अच्छा पूरा नहीं बोलेंगे रूपा जी, अच्छा विशेषण है और बहुत शब्द प्राविशेषण है, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा शब्द यहाँ पर विशेषण के रूप में उपयोग हुआ है और अच्छा शब्द की विशेषता बहुत बतला रहा है, तो यहाँ पर बहुत शब्द प्राविशेषण के रूप में उपयोग हुआ है। विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं, बहुत प्राविशेषण है और अच्छा शब्द विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक मैं वाक्य बोल रहा हूं, फिर उससे रिलेटेड मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। वाक्य में कुछ है, वाक्य में कुछ है। ऑप्शंस हैं, गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, वाक्य में कुछ है। ऑप्शंस हैं, गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वशिष्ठ नारायण सिंह जी आंसर दे रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्राची जी आंसर दे रही हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। खुशबू जी अनिश्चित संख्यावाचक आंसर दे रही हैं। कुमार उपाध्याय जी अनिश्चित संख्यावाचक। आकांक्षा जी अनिश्चित संख्यावाचक आंसर दे रही हैं। वैशाली जी, यशवंत सागर जी अनिश्चित संख्यावाचक।
नीतीश सोनी जी परिमाणवाचक बोल रहे हैं, रविता जी अनिश्चित संख्यावाचक, सोनल मंसूरी जी अनिश्चित संख्यावाचक, विवेक साहू जी, रूपा जी अनिश्चित संख्यावाचक, केदार चौकसी जी अनिश्चित संख्यावाचक, मीना सोनी जी अनिश्चित संख्यावाचक, पुनेश जी साहिन जी अनिश्चित संख्यावाचक आंसर दे रहे हैं। तो चलिए मैं आंसर रिलीज करता हूँ। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है कुछ यहाँ पर वाक्य में। कुछ बच्चे, देखो संख्या निश्चित नहीं है, बच्चे इनको काउंट कर सकते हैं, वेट थोड़ी करेंगे, कुछ बच्चे। जी अर्जुन सर जी बिल्कुल सही आंसर, अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो कुछ बच्चे, बच्चे लेकिन कुछ, कुछ यानी कि नॉट फिक्स, क्लियर नहीं है। संख्या है बच्चों की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कितने हैं नहीं मालूम, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए विशेषण के चार भेद होते हैं, मालूम होगा सभी को। गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, सार्वनामिक होता है। और संख्यावाचक में दो, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कुछ बच्चे, चार बच्चे, चार निश्चित संख्यावाचक है और कुछ बच्चे अनिश्चित संख्यावाचक है। परिमाण में भी 2 किलो दूध, सॉरी 2 किलो गेहूं, यहां पर 2 किलो गेहूं, कितना गेहूं, 2 kg, ये निश्चित परिमाणवाचक है। लेकिन हमने बोला थोड़ा सा कपड़ा, ठीक है, कुछ एक मीटर कपड़ा, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध, कितना दूध, थोड़ा सा दूध, तो यहां पर ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। परिमाणवाचक में दो भेद, निश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित, और संख्यावाचक में भी दो भेद, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द का विशेषण शब्द होगा। देखो मानव शब्द क्या है, मानव ह्यूमन एक संज्ञा शब्द है, मनुष्य मानव संज्ञा शब्द है, लेकिन मानव शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शंस हैं मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय। मनुष्य मानवीकरण, मानवता, मानवीय, मानव शब्द का विशेषण होगा, मानव शब्द का विशेषण होगा, मनुष्य मानवीकरण, मानवता, मानवीय। थोड़ा आंसर सोच समझ के दीजिए, आप लोग जल्दबाजी में आंसर दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। प्राची जी, रूपा जी, जसवंत सागर जी, विवेक साहू जी, मीना सोनी जी, यदि आप मानवता को आंसर देंगे तो फिर भाववाचक संज्ञा कहां जाएगी, भाववाचक संज्ञा को आप भूल जाएंगे क्या? यदि आप मानवता आंसर दे रहे हैं तो मानव से जो भाववाचक संज्ञा बनती है बेटा, वो मानवता होती है। मनुष्य से मनुष्यता, मानव से मानवता, मानवता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, मानवता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, विशेषण नहीं है। मानवता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, विशेषण नहीं है। मानव से भाववाचक संज्ञा बनती है मानवता। सी आंसर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सी आंसर नहीं है, सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं, सी आंसर नहीं है। मानव का भाववाचक संज्ञा शब्द होता है मानवता, जैसे नम्र से नम्रता। वशिष्ठ नारायण सिंह जी, प्राची जी ने आंसर दिया है मानवीय, ह्यूमननेस, ह्यूमननेस। नो रूपा जी, मानवीकरण नहीं होगा, मानवीकरण नहीं होगा। चलिए मैं आंसर दे दे रहा हूं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मानवीय, ह्यूमननेस। देखो ह्यूमन और ह्यूमैनिटी, ह्यूमन मतलब मानव, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, ये संज्ञा शब्द हैं। मानव जातिवाचक संज्ञा, मानवता आपका है भाववाचक संज्ञा, मानव होने का भाव, मानवता नहीं, मानवता आंसर नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। मानवीय, ह्यूमननेस, जैसे बोलते हैं ना गुडनेस, अच्छाई, ह्यूमननेस, मानवीय, 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 डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, मानवीय। मानव शब्द का विशेषण है मानवीय, मानवीय, डी आंसर। जी शशि जी, डी आंसर, मानवीय, मानव शब्द का विशेषण है मानवीय, ठीक है। तो यहां पर डी आंसर जिन्होंने दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मानवीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपके सामने,
आलस्य शब्द का विशेषण होगा, आलस्य शब्द का विशेषण होगा, आलस्य शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शंस हैं आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। आलस्य शब्द का विशेषण होगा आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही से आंसर्स देख सकते हैं। आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। विवेक साहू जी आंसर दे रहे हैं आलसी, प्राची जी आंसर दे रहे हैं आलसीपन। आलसीपन, आलस्य और आलसीपन में कोई अंतर नहीं है, दोनों वर्ड एक ही हैं। आलस्य और आलसीपन में कोई डिफरेंस नहीं है। यशवंत सागर जी आंसर दे रहे हैं आलसीपन। इतना सिंपल वर्ड है, सीधे सीधे हम बोलते हैं। सी और डी दो कैसे हो सकते हैं प्राची जी? रविता साहू जी आंसर दे रहे हैं आलसी, खुशबू जी आंसर दे रहे हैं आलसी, केदार जी आंसर दे रहे हैं आलसी। चलिए मैं यहां पर आंसर रिलीज करता हूं। आलसी शब्द करेक्ट आंसर है, आलसी, आलस्य शब्द का सही विशेषण। देखो आलस्य और आलसीपन एक ही बात है, आलस्य मतलब आलसी होने का भाव, आलसीपन मतलब भी आलसी होने का भाव। आलसी, आलसी वो आलसी है, बिल्कुल राम आलसी है, ये थोड़ी बोलेंगे राम आलसी, आलस, आलसीपन है। राम आलसी है, मोहन आलसी है, आलसी ये विशेषण है। आलस्य शब्द का सही विशेषण है आलसी। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक थे आपके सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। कल का टॉपिक होगा हमारा उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय पर हम क्वेश्चंस करेंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, पशु शब्द का विशेषण है, पशु शब्द का विशेषण है, पशु शब्द का विशेषण है जी। प्रीवियस का आंसर आलसी होगा वैशाली जी। पशु शब्द का विशेषण है जी रूपा जी, बोलते हैं आलसीपन मत दिखाओ, लेकिन किसके लिए बोलते हैं? वो तो कॉमन है सभी के लिए। आप वाक्य में प्रयोग करिए, हमको संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलना है। आलसीपन मत दिखाओ, किसके लिए बोल रहे हैं आप? जानवर के लिए, इंसान के लिए? कोई क्लियर नहीं है। अब आप बोलिए, यहां पर संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण शो करते हैं, आलसी शब्द इस करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पशु शब्द का विशेषण है, ऑप्शन है पाशविक, पशुत्व, पाशविक, पशुत्व, पशुपति, पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। पशु शब्द का विशेषण है पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। पाश्विक शब्द का विशेष, पशु शब्द का विशेषण है पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। प्राची जी आंसर दे रही हैं पशुत्व, खुशबू जी आंसर दे रही हैं पशुता, रूपा जी आंसर दे रही हैं पशुत्व। आप लोग बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसकी प्रवृत्ति कैसी है? पशुत्व है, पशुता है, पशु है, ऐसा बोलते हैं। बोलते ना वह है, विशेषण का उपयोग करें इनमें से, वह खाली स्थान है। आप एक चार में से एक विशेषण का उपयोग करिए, वह खाली स्थान है। अर्जुन सर जी आंसर दे रहे हैं पशुता, डी आंसर भी नहीं है। मीना सोनी जी ने आंसर दिया है पाश्विक। चलिए मैं आंसर रिलीज करता हूं, पाश्विक करेक्ट आंसर है, पाश्विक। खुशबू जी, मीना सोनी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पाश्विक, पाश्विक बिल्कुल सही आंसर है जी। कुमार उपाध्याय जी पाश्विक, पशु शब्द से विशेषण बनेगा पाश्विक। देखिए पशुत्व, पशुता, पशुत्व, पशुता, पशुपति, ये सब संज्ञा शब्द हैं। पशुपति, पशुता और पशुत्व ये सब आपके संज्ञा शब्द हैं।
केवल एक ही है, पाशविक बोलते हैं ना, वह पाशविक है, मतलब उसकी प्रवृत्ति पशुओं की तरह है। विशेषता बतला दी ना, वह पाशविक है। पाशविक पशु शब्द का सही विशेषण होगा पाशविक। तो जिन्होंने, मीना सोनी जी ने, खुशबू जी ने, रविता जी ने ये आंसर दिया हुआ है। अब बेटा पढ़े नहीं है तो इसलिए तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि हम विशेषण के बहुत सारे क्वेश्चंस करें। विशेषण शब्द जो बनाए जाते हैं संज्ञा शब्दों से बनते हैं, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनता है। मानव से मानवीय, अभी बताया आपको, ह्यूमननेस, पशु से यहाँ पर पाशविक। जी अर्जुन सर जी, बिल्कुल सही आंसर, पाशविक। तो आज का सेशन चार टॉपिक पर था आपका, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। कल का टॉपिक होगा उपसर्ग और प्रत्यय पर, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस उपसर्ग और प्रत्यय के कर लें। और कल इसी टाइम मिलेंगे हम उपसर्ग प्रत्यय क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।